जिन्ना भीर दे बाप मर जान उते वीर खुले मैं किथे जावांगी वीर भी कोई चीखा निकल जांदियां ने साडे बच्चे नूं पता हुंदा शाम वेले बाबा आ जाणा ओ फिर भी रोंदे ने ओ किवें रोई होवेगी जिन्नूं पता बाबा आउणा ही कोई नहीं सकीना खंदी है बाबू मैं नहीं जाण देना इमाम ने फरमाया ज़ैनब बाहर आओ सकीना नूं खैमे च लै जाओ किधरे आओ समां ना फट के जमीन ते ना आ जाए सैयद ज़ैनब खिंच के सीने नाल उतारे आओ सकीना दी चीख निकल गई कहन लगी फुफी अम्मा रज के बाबा वेख लैण दे तैनूं वीर नहीं लभना मैनू बाबा नहीं लभना ग्रामी कदर हजरात कुरान मजीद फरकाने हमीदी मरूफ आयत मुबारक तिलावत की थी रब ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनू बिस्सबरी वस्सलाह फरमाया ऐ ईमान वालों नमाज और सब्र करो मदद तलब करो आखिर ते इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन फरमाया बेशक अल्लाह सब्र वाले दे नाल है कुरान मजीद फरकाने हमीदी आयत बयनात नु पढ़ दे जाइए ते करबला दे मैदान च किरदार हुसैन नु देख दे जाइए इस तरह महसूस होंदे कि इमाम आली मुकाम करबला दे मैदान च एक एक कदम ते कुरान दी आयत दी तफसीर फरमा रहे इसे ही आयत नु सामने रखिए तो अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमान वालो इस्तईनु बिस्सबरी वस्सला सब्र और नमाज को मदद तलब करो अल्लाह ने नमाज ते सबर दो चीजां दा इकट्ठा जिक्र फरमाया मगर आखिर ते फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन अल्लाह सबर वालेयां दे नाल है करबला दे मैदान च यजीदी भी नमाज पढ़ रहे थे हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे ओ भी अल्लाह दा नाम लै रहे थे ओ भी अल्लाह दा नाम लै रहे हो सकता किसी के ज़हन च ख्याल आता कि पता नहीं यजीदी सच्चे ने कि हुसैनी सच्चे ने ते कुरान दी आयत ने वंड कर दी थी फरमा सिर्फ नमाज़ां वल ना वेखिया जे फरमा इस तईनु बिस्सबरी वस्सला नमाज दे सबर को मदद करो तलब करो मगर इन्नल्लाह मअस्साबिरीन अल्लाह सबर वाले दे नाल है करबला से नमाज से हुसैनी भी पढ़ रहे थे यजीदी भी पढ़ रहे पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अल्लाह नमाजियां दे नाल है अल्लाह हाजियां दे नाल है अल्लाह सखियां दे नाल है फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन अल्लाह सबर वालियां दे नाल है रब दसना चाहता है मैं कल भी हुसैन दे नाल सां ते मैं अज भी हुसैन दे नाल हां यजीदी नमाजा पढ़ के जुल्म कर रहे ते हुसैनी नमाज़ा पढ़ के सबर कर रहे शाजी ओदी जिंदगी तू सदके ना जावा जिदी जिंदगी सबर तो शुरू हो रही ते नमाज ते खत्म हो रही सुभान अल्लाह फरमाओ जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह इन्नल्लाह मा साबिरीन ने सारे फैसले कर देते फरमाया अल्लाह सबर वाले दे नाल है कुरान मजीद च अल्लाह ने जब साबिरीन का जिक्र फरमाया ना फरमाया इन्नमा युवफ्फा साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब अल्लाह फरमाता है जिहड़ा सबर करे ना अल्लाह उन्हें बगैर हिसाब अजर देवेगा अच्छा मैं ते तुसी सबर करिए ते रब सानू बगैर हिसाब अजर देवे ते जिहड़ा करबला दे मैदान च सबर ही बेहिसाब कर जावे उदे अजर दियां गिनतियां कौन करे जेड़ा सबर ही बेहिसाब कर जाए इन्नल्लाह मा साबिरीन वाह हुजूर सो इमाम आली मुकाम तुहाडे सबर तो सदके जाइए ओ घर च एक मैयत होवे ते लोग बेसबरे हो जांदे उदे बेड़े च कत्तर लाशां दा ढेर लग्या तो बेसबरा नहीं होया सबर करी जा रहा बल्कि जुमला एक दवा के करबला दे मैदान च ज्यों ज्यों शहादतां वधदियां जा रही मेरे हुसैन दा सबर वधदा जा रहा है
جو لاشاں وددیاں جا رہی ہیں او دا صبر وددا جا رہا ہے اور خاندان دا ایک ایک فرد صبر دا پیکر بن کے بیٹھا ہے او یار عورتاں چ صبر نہیں ہوندا عورتاں چ دو چیزاں کدے اکٹھیاں نہیں ہویاں ایک ہمت تے ایک صبر وا زینب تیری عظمت تو صدقے جاواں او آپ بھی صبر کر رہی ہے تے دوسرے کول بھی صبر کروا رہی ہے او ویراں نو تلقین کر رہی صبر کرے آ جے آخری ویلا بھی جدو امام علی مقام دا آیا اس ویلے گن تے ہاتھ رکھ کے جنے صبر دی تلقیناں کیتیاں او سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا گرامی قدر حضرات آئیے اج انہاں صابرین دے اماماں دے صبر دا تذکرہ کریے انہاں دے صبر دا تذکرہ کریے انہاں دی شان ہے کہ اج 10 محرم تو بعد بھی اسی انہاں دے صبر دا تذکرہ کر رہے ہاں مظلومیت صبر دا ذکر کر رہے ہیں انہاں چ بے صبرا کوئی نہیں کسی نے پانی دی طلب نہیں کی تھی کسی یزیدیاں کولو پانی نہیں منگیا آکھے جے پانی پینا ہوندا تے مدینے تھوڑا سی اسی کو پانی پین تے نہیں نہ کربلا دے میدان وچ آئے گرامی قدر حضرات میرے امام نے کربلا چ ڈیرے لگائے دو محرم الحرام نو امام دا قافلہ جڑے ویلے کربلا دے میدان وچ پہنچیا ادھر یزیدی فوج ادھر حسینی فوج امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نال دو محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات ہوندے رہے مذاکرات ہوندے رہے آخر 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا تے یزید نے آکھیا پانی بند کر دیو جدو حسین دا پتر اصغر تڑپے گا حسین تڑپے گا حسین دی سکینہ تڑپے گی حسین تڑپے گا جدو اولاد پیاس نہ بل بلاوے گی حسین مجبور ہو کے تے میری پھر بیعت کر لوے گا پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فرما تسی ظلم کر دے جاؤ اسی صبر کر دے جاواں گے تسا پانی بند کر دیتا ہے اسا روزہ رکھ لیا ہے اسی ثواب کما کے جاواں گے انہاں روزہ رکھ کے ثواب کمانا شروع کر دیتا ویلا گزرتا جا لیا نو محرم دی رات آئی نوجوانوں جڑے ویلے ساری رات اللہ والے نے اللہ دی یاد وچ گزاری انہاں دے خیمے چ پانی مک گیا کھانا مک گیا نہ قرآن مکا تے نہ نماز مکی نہ تلاوت قرآن دی مک رہی تے نہ قرآن پاک نمازاں دے اندر بھی قرآن دی تلاوت ہو رہی سجدے وچ اللہ رب العزت دی تسبیحات بیان کیتیاں جا رہی ہیں وقت گزرتا جا رہا آخری مذاکرات ہوئے تو ابن سعد نے آکھیا حسین دس یزید دی بیعت کرنی کہ نہیں آپ نے ارشاد فرمایا اگر نہ کرن تے کہہ لگا پھر جنگ ہوئے گی آپ نے ارشاد فرمایا دسو تہاڈی شرط کی ہے کہہ لگا شرطاں اوہی نے جڑیاں مدینے وچ سن فرمایا جواب بھی اوہی ہے جڑا مدینے وچ سی جواب بھی ہوئی جڑا مدینہ بیچ سی پتہ لگیا کہ آخری وقت تک بھی میرا حسین مجبور نہیں ہویا فرمایا جواب ہوئی جڑا مدینہ دیتا سی آج بھی انکار ہے کل بھی انکار ہے محمد دین دے باغی دے ہاتھ حسین اپنے ہاتھ نہیں دے سکتا میں محمد عربی دے دین دے غدار نو ووٹ نہیں دینا بھائی یزید ووٹ ہی تے منگدا سی حسین دا ووٹ مل جائے فرما پتر کو ہا دے مانگا دین دے غدار نو ووٹ نہیں دے مانگا حسین نے بیعت نہیں کی تھی نہیں ووٹ دیتا گرامی قدر حضرات پھر بارو باری سارے ہی ٹر گئے سارے ہی ٹر گئے اس حسین دے حوصلے تے صبر کی سنا وا جن عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو ایتھے ملے ایک بازو اوتھے ملے او جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پیا کٹھیاں کردا اے اس حسین دے حوصلے تے صبر ویکھ گرامی قدر حضرات ڈولے نہیں ڈولے نہیں 56 سال 5 مہینے تے 5 دن عمر سی کربلا دے میدان چ امام حسین دی روایات چاند ہے کہ آپ دے جسم مبارک دا ایک بال بھی سفید نہیں سی اتنے طاقتور سن امام حسین سارے جسم دے وال 56 سال دی عمر ہے اجے سارے وال کالے سن پر جدو اکبر دی لاش چکن لگے نا تے غم تے دکھ نہ سارے جسم دے وال ہی چٹے ہو گئے سیدہ شہربانو تے حضرت بی بی زینب خیمے چ ویکھ کے رون لگ پئیاں تے حضرت بی بی زینب فرما دیاں بھابی شہربانو او ویکھ میرا ویر اج بڈھا ہو گیا اج میرے ویر نو پتراں دے غم بڈھا کر گئے او پھر بھی نہیں ڈولیا حضرت عباس علمدار دا اتنا اونچا قد سی
अली दा पुत्र एडा जना ते जबान सी कि तारीख करबला दी कुतुब च लिखिया कि हजरत अब्बास अलमदार जद अरबी नसल दे सुरख रंग दे घोड़े ते बैठ दे सन ना ओ जेड़ा घोड़ा आप बड़ा कद्दावर होंदा है हजरत अब्बास जद ओदे ते बैठ दे सन ते पैर जमीन ते लग दे सन एडा अब्बास अली दा पुत्र जना ते जबान सी पर उदी लाश भी हुसैन ने उठा ली फिर भी नहीं डोले अली असगर दे हलके चो तीर लग्या जेड़ा तीन मुंह वाला तीर सी ते मेरे इमाम ने पूरा जोर लगा के जदों अली असगर दे हलके चो तीर खींचिया ना ते तीर दे नाल ही असगर दे हलक दियां सारियां रगां भी बाहर आ गईयां फिर भी नहीं डोलिया इमाम अली मुकाम दे पुत्र दे हलके चो खून दा फवारा निकलिया आपने खून पकड़िया ते आसमान वल सटन लगे आसमान रोपिया जमीन वल सटन लगे ते जमीन रोपी अख्या हजूर जे आसमान वल सटोगे ते कयामत तक आसमान तो पानी नहीं बरसेगा जमीन ने अख्या जे असगर मजलूम दा खून मेरे ते आ गया ना सारी जिंदगी कयामत तक मैं सब्जा ना उगा सकांगी मेरे इमाम ने अपने असगर दा खून अपने जिस्म अकदस ते मल लिया मेरे इमाम आली मुकाम असगर दा मत्था चुमया सकीना दा दुपट्टा असगर दे चेहरे ते देख के खैमे च लेके आए ते सकीना दौड़ के आई आके असगर नु उठा के कदे खैमे च दाए जावे ते कदे पाए जावे सैयदा ज़ैनब फरमा दिया सकीना बेटे की पे करनी है कह लगी फुफो जान तीन दिन प्यास ना रोता रहा है पानी पी के चुप करके सो गया है लोरी दुनिया किधरे उठ के रोवे ना इमाम अली मुकाम ने पुत्र नो बेटी को लेके सीने लगाया ते मत्था चुम के फरमान लगे सकीना तेरा असगर वीर हुन कदे भी नहीं रोवेगा असगर दा खाली पघूड़ा वेख के मां नू गश आ जांदे ने पर इमाम मैं तेरे हौसले तो सदके जावां फिर भी नहीं डोले ख्याल आया असगर सुबह दियां सारे दियां बोटियां हो गईयां मैं किसी की कबर भी नहीं बनाई वो यार गरीब तो गरीब का पुत्र भी मर जाए ना चार लोग जनादे नु कंधा दे ते आ ही जांदे ने हुसैन कितना करबला दे मैदान च सबर दा पहाड़ बन के खड़ा है ओ यार ओदे नाल ओदे पुत्रां दे जनादे चुकन वास्ते कंधा देण भी कोई नहीं आ रहा ओ किसे दा कोई मर जाए सारा पिंड ते मोहल्ला शाम नु ओदे घर अफसोस करन आंदा है ओदे पुत्रां दीयां लाशां दे ढेर लगे होए ने ओदे नाल करबला दे मैदान च अफसोस करन वाला भी कोई नहीं अफसोस करन वाला भी कोई नहीं इमाम अली मुकाम असगर दा मत्था चुमया मैं तेरी कबर ना बना जावा इमाम अपने पुत्र उठा के करबला दी तपदी रेत ते लटाया एक निक्की जी कबर खोदी ते कदे कबर वल वेखदे ने ते कदे असगर वल वेखदे ने ते कबर नु पुकार के फरमांदे ने कबरे मैं तेरे च असगर रख के नहीं चलिया हुसैन अपना कलेजा रख के चलिया ई मेरे इमाम ने पुत्र उठा के तपदी रेत च लटाया हुन एडी गर्म रेत पुत्र दे चेहरे ते पावन नु जी ना करे ते मत्था चुम के ना ते कान च फरमांदे ने असगर बेटा कबर च डर के रोमी ना मैं तेरा बाबा तेरे पीछे पीछे पे आयो ना मेरे इमाम ने गर्म रेत करबला दी असगर दे चेहरे ते डाल के कबर बनाई उठ के ना ते आपने झोली झाड़ के मदीने वल मुंह कीता ते फरमा दे ने इनल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लग सलामी रौजतन फीह नबीयुल मुहतरम फरमा दे ने हवाए जे तेरा मदीने चो गुजर होवे मेरे नाने नु मेरा सलाम आखी ते आखी सोणिया सारे वादे पूरे हो गए तो मेरे तो एक पुत्र कुर्बान किया मैं तेरे से सारे पुत्र ही कुर्बान कर देते नहीं असगर दी कबर बना के मेरे इमाम खैमे वाला आए आपने देखा कि खैमे दे बाहर एक अजीब शक्ल का इंसान खड़ा है करीब आके फरमान लगे तेनों नहीं पता है मुहम्मद दियां दियां दे खैमे ने अंदर रसूलुल्लाह दी आल दियां खवातीन अंदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां पर्दादार दियां ते बहुआं बैठियां ने तू कौन है साडे खैमे दे करीब आया है उन्हें हाथ जोड़ के अर्ज की लजपाल मैं इंसान नहीं मैं जिन्नात दा सरदार हां मेरा नाम जफर जिन्न है ओ जेडे जिन्नात ने तुहाडे नाने कोल कुरान सुन के कलमा पढ़िया मैं उन्हां दी औलाद चूहां फरमा जाफर की तरह है अर्ज की थी सोने हाँ तेरे पुत्र प्यासे मरदे वेख के जिन्नात दियां भी चीखा निकल गई मैं सारे जिन्नात नुमाइंदा बन के आया ये इजाजत है वो ते मैं कोई मदद करा फरमा तू की कर सकने अर्ज कर दा सोने तेरे नाने दा सदकारा बेनियां ताकत दितियां ने आओ नहर फरात दे पान नु जाके कंधा लगावा ना ते नहर दे पानी दा रुख तेरे खेमे वल मोड़ देवा इमाम ने फड़ के सीने लगा के फरमाया जिदा कलमा पढ़ के तू ताकत लईया ना ओदे मोढ़िया ते मैं खेड़दा रहा वा फरमा तू ते कंधे दी गल करना है मैं उंगली दा इशारा करा ना इशारा करा पानी अपनी हाथ
हद्दां तोड़ के मेरे खैमे दे विचों गुजर के जावे। ते जाफर ने अर्ज की लाजपाला जी ताकतां इन्नियां ते पुत्र प्यासे क्यों मरवा ले नहीं। आपने फरमाया मैं को करबला मदीने तो पानी पीना आया। फरमाया जे पानी पीना होता तो मदीना क्यों छड़दा। मदीने पानी थोड़ा सी। उन्हें अर्ज की लजपाल दिया दुतरे आप फिर जाती बार उम्मत दस नहीं जाते करबला की करन आयो की करन आयो। सीने लगा के फरमान लगे जो कुछ होता होन दे परवाह नहीं अपने आप दी। जो कुछ होता हुक्म देता है जिदी अमानत होवे उनू दे दे आज जिदी अमानत होवे उनू ही दे दे आज। अर्ज की अल्लाह अकबर तेरी अमानत सी मैं तेनू दे दिता। कासिम तेरी अमानत तेनू दे दिता। असगर तेरी अमानत मैं तेनू दे दिता। अब्बास तेरी अमानत मैं तेनू दे दिता। नाले अर्दा करदे ने तेरा दिता तेनू दिता तेरे तेरा दिता तेनों दिता तेरे उतों ही वारिया। वाह हुसैन तेरे हौसले खैमे दे अंदर आए ना ते छाती मारी ते ज़ैनुल आबिदीन तो इलावा को मर्द नजरी ना आया। मुहम्मद अरबी दा सारा बाग उजाड़ दिता ज़ालिमां ने। मेरे इमामे आली मुकाम जदो आप तैयार होवन लगे ना बारो बारी सारे टुर गए मुड़ वार हुसैन दा आया। आपने जुब्बा पहनिया ते बहन ज़ैनब करीब आके कहती वीर है जुब्बा केड़ा ही। फरमाया वीर हसन ने पहनिया सिर ते दस्तार रखी ते ज़ैनब पूछ दिया दस्तार केड़ी है। फरमाया बन के नाना मेराज करन गए सन। पटका बदया ते पूछे हजूर ने पटका केड़ा। फरमाया मेरे वीर हसन दा पटका है तलवार ज़ुल्फ़िकार मौला अली दी पकड़ी ना। ते बैन मत्था चुम के कह दिए इंज लगता जिवें शबे असरा दा दूला मेराज करने चले आ रहे। एडा सोहना पे लगना है
इंज लगता है जिमें शबे असरा का दूल्हा मेराज कर जा रहा। नौजवान इमामे आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयद ज़ैनब के सर पर हाथ रखे, फरमाया मैं चलिया परदे का ख्याल रखी सबर करी। सैयद ज़ैनब वेख के फरमा दिया वीरा प्यार इंज प्या करना जिमें आखिरी बारी करी दे। फरमाया हाँ ज़ैनब इन हुसैन का आखिरी प्यार समझी। मेरे इमाम ने भैन के सिर पर हाथ रखे, भैन से बेटियां वाले बड़ा औखा तो डाढ़ा वेला से। इमाम अली मुकाम ने फरमाया ज़ैनब मैं अली का पुत्र हाँ, तू भी ज़हरा की बेटी है, अपने परदे का इंज ख्याल रखी कि रही दुनिया तक यादों सलामत रहन। अर्ज कर दिया वीरा तू नेदे ते कुरान पढ़ के दसी तू अली दा पुत्र है, मैं पर्दा करके दसांगी ज़हरा दी बेटियां जब मिंबर ते बैठ के लोग तेरी शहादत दे खुतबे पढ़नगे नाल ज़ैनब दे परदे दे भी खुतबे पढ़िया करनगे। फरमान लगे तू उस मां दी बेटी है जिदे दरवाजे दे ओले जिब्रील खड़ा। नबी पाक वेख के फरमाया जिब्रील आ जा, ते जिब्रील ओले होके अर्ज कीती सोने किवें आवां तेरी बेटी ज़हरा बैठी है। मेरे आका फरमा तू ते फरिश्ता तू ते आ जा, ते जिब्रील ओले होके अर्ज कीती सोने फरिश्ता होना अपनी जगह पर ज़हरा दा हया अपनी जगह है। असी उस मां दे बेटे ते बेटी हाँ, परदे का ख्याल रखी। सैयद ज़ैनब फरमा दी वीरा फिक्र ही ना कर, फिक्र ही ना कर सोने मेरे सबरा दे अंदाजे इतों लगा कि सोने तू ते पुत्र दीन तू वार के चले आए, मैं ते पुत्र वीर तू वार के चली हाँ। फरमाया मेरे ते दो ही सन, मेरे ते दो ही सन, तेरा ते जिंदा रवे ज़ैनुल आबिदीन उदे तू वीर चू तेरी नस्ल टुर पवेगी, पर मैं ते अपनी नस्ल ही करबला मुका चली हाँ, मैं ते नस्ल मुका के चली हाँ। मेरे ते दो ही लाल सन, वो भी तेरिया जुल्फा तो वार देते, सुने मेरे सबर दियाँ गल्ला ना कर, मैं तेनु सबर करके वखावगी। मेरी मिल्लत दे नौजवानो जे लखा सलाम ने ना हुसैन दे सजदियां नू, ते करोड़ा सलाम ने ज़ैनब दे सजदियां नू, करोड़ा सलाम ने ज़ैनब दे सजदियां नू, जिन्हें सारा कुछ ही करबला च वार दिता, सारा कुछ उस ज़ैनब ने वार दिता। गिरामी कदर हजरात मेरे इमाम सैयद ज़ैनब नू मिल के हजरत बीबी शहर बानो को लाए, फरमाया तू ईरान की शहजादी से, इंज कर अपनी औलाद नू नाल ले, पुत्र नाल ले, चुप करके ते आपने ईरान चली जा, तू उथों की शहजादी से वापस चली जा। अज हुसैन को सिवाय मौत दे कुछ नहीं। अर्ज की लाजवाल इस मौत पिछे जन्नत जन्नत का मालिक पे नजरी आंदा है, आखिरी वेले कदमा तू जुदा ना करे आजे। अर्ज कर दिया मैं ते एक मुल्क दी शहजादी सां, तू ते दो जहां दा शहजादा है, सुनिया तू ते दो जहां दा शहजादा है। इमाम सैयदा शहरबानों नू मिले, अर्ज की हजूर जिवें इत्थे ना रखे आजे, हशर नू ते जन्नत च भी ना ही रखे आजे। मेरे इमाम टुरे टुरे ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे च आए, बेहोश पुत्र नू जगाया, उठ के ते ज़ैनुल आबिदीन दरवाजे वल दौड़े ते दरवाजे च डिग पे। इमाम हुसैन चुक के ते चार पाई ते उस चमड़े दा जड़ा बिस्तर सी उहदे ते लटाया ना, ते ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की बाबा तुसी ना जाओ, तुहाडे तों पहले मैं जावांगा। जवान पुत्र दे होंदिआं पाप टुर जाए, मेरे कोल तो सिर की दस्तार डिगदी नहीं वेखी जानी। फरमा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन अज तेरा हिस्सा कोई नहीं। अर्ज की बाबा जब सारे कुछ ना कुछ वखा लैणगे, मैं दादी नूं की वखावांगा। फरमा पुत्रा ओ तीरां दे निशान वखाणगे, तू जंजीरां दे निशान वखा ले। अर्ज की कुछ ते मेरा करबला दा हिस्सा छोड़ जाओ। फरमा जब मेरा घोड़ा खाली आए ना, मेरी सकीना बाबा बाबा कह के रोना है, उन्हों फड़ के सीने लगा ली, उन्हों प्यों वाला प्यार दे देवी, चाह तेरा करबला दा हिस्सा पूरा हो जाएगा। मेरे इमाम सारे ने मिल मिला के निकल लगे ना, आके घोड़े ते बैठन लगे, ते अचानक एक खैमे चो आवाज आई हुजूर अम्मी दा आवाज तो ना जाया जे। मेरे इमाम ने मुड़ के वेख्या ते आवाज हजरत बीबी रुबाब दी, घोड़े तो उतर के ते आप हजरत बीबी रुबाब दे खैमे विच आए। फरमा मैनू क्यों बुलाया, मैं ते सारे नू विद्या करके टुरे हाँ, मैं ते सारे नू मिलके जा रहा। अर्ज की लजपाल ओ वेखो सकीना चीख मार के बेहोश हो गई है, हुण जुमा पढ़न आउण वाले हो, वो मेरे इमाम दी सात साल दी बेटी सकीना, वो जड़ी शहजादी सी मदीने दी, जिन्ने कदे दुख वेखी नहीं सन, वो बच्ची मदीने टुरी 450 किलोमीटर दा सफर करके मक्के पहुंची, थक गई पर रोई नहीं, वो मक्के तो टुरी करबला तक आई वो नहीं रोई, करबला च डेरे लगे वो नहीं रोई, 7 मुहर्रम नु पानी बंद होया बच्ची नहीं रोई, 10 मुहर्रम तक
प्यासी रही और नहीं रोई। उदे सामने अब्बास चाचे दे बाजू कटे गए और नहीं रोई। उदे सामने उदे वीर अकबर दी लाश दे घोड़े दौड़ गए और बच्ची नहीं रोई। कासिम दियां पसलियां उदे सामने टुटियां और नहीं रोई। असगर दे हलके च तीर भी लग गया और नहीं रोई। वो क्यों नहीं रोंदी? वो इस वास्ते नहीं रोंदी कि मैं अबू दी लाडली हां। जे मैं रो पई ना अबू रो पैणे ने। वो नहीं चाहती मेरे अबू रोन। तियां कोल बाप रोंदे नहीं वेखे जांदे। वो नहीं रोंदी कदरे अबू ना रो पैण। पर जद अबू टुरे ना सीने लगा के ना ते गोदी च लटा के ते थपकी दे के फरमांदे ने उठ सकीना। बेटी जांदी वारी बाबा ते वेख ले। सारी जिंदगी बाबा बाबा कहेगी। बाबा नजर ही नहीं आने। जाओ किसे बाप की कदर पुछने किसे यतीम को पुछो। बच्चा बाजार चो बाबे नाल गुजरे ना उन्नू इंज लगदा सारे बाजार के खिलौने मेरे ने क्योंकि मेरा अबू मेरे नाल है। को किसे दे बच्चे नू छिड़क मारे ते बच्चा कहंदा मैं अबू नू दसांगा क्योंकि उहदा अबू जो जिंदा है। वो कहंदा अबू नू दसांगा। तियां दे मान प्यो होंदे ने को छिड़क मारे ते बाप कहंदा ना छिड़क मारो मेरी बेटी नू और मेरी धी नू ना छिड़क मारो तुहाडा कुछ नहीं खांदी इहदा प्यो अजे जिंदा है। उस वेले तियां दे मान मेरा बाप जिंदा ही रहे। नौजवान मेरे इमाम सकीना नू प्यार कर रहे ते शिमर दी आवाज है हुसैन बाहरा बाहरा। मेरे इमाम सकीना नू ज़ैनब दी गोच लटा के फरमाया मैं चलिया मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जे। और लोगो पता नहीं इमाम नू हुसैन नू अपनी बेटी सकीना नाल किन्ना कु प्यार सी। खैमे चो निकल दिया आखिरी वसीयत ए फरमाई फरमाया मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जे। इमाम तुरे ना ते सैयदा ज़ैनब फरमादियां वीरा हौसले नाल जा मैं तेरी सकीना नू इंज पालांगी। मैं तेरी कबर ते झाड़ू दिया करांगी। सकीना तेरी कबर ते कुरान पढ़िया करेगी। मेरे इमाम सवारी ते बैठे महमीज लगाई एड़ी मारी सवारी टुरे ना ते सवारी दे कान च फरमांदे ने मैनूं सबा दा पता तू लाशा चुक चुक के थक गया है पर तेरा मेरा वादा रहा एक बार मैनूं करबला लै जा हुण मेरे बाद कोई सवार नहीं आवेगा। सवारी आसमान वल वेख के अर्ज कीती या अल्लाह हुण गल वफावां ते आ गई है। तेनों वास्ता मुहम्मद अरबी दा जे जुबान दित्ती है ते दो घड़ियां बोलण दी तौफीक दे। घोड़े अर्ज कीती सोणिया मैं टुरते पवां पर किवें टुरां। मुड़ के पिछे ते वेखो मेरे इमाम ने घोड़े तो मुड़ के वेख्या कि सकीना नू होश आ गया है। ओ परदादार सैयदादी खैमे दी ओट च परदे च खड़ी है ते निके निके हाथ जोड़ के सकीना ने खैमे चो बाहर निकाले ने ते सकीना पे रो के आखदी है बाबा अजे ना जाया जे दिए बाबा सकीना मर जाएगी बाबा अजे ना जाया जे। अर्ज कर दिए बाबा अजे ते मैं रज के वेखी नहीं अजे ते मैं सीने लगी नहीं नाले कदिए वे घोड़े आया जे ना जावी मेरा चाचा या पास गया नहीं आया हूं अजे मेरा वीर अकबर नहीं आया हूं अजे मेरा वीर कासिम नहीं आया अजे असगर नहीं आया ना जावी मैं ते बाबा रज के वेखी नहीं तेरे इमाम घोड़े तू जमीन ते आ गए। सकीना नू सीने नाल लाया फरमाया सकीना बेटी चुप कर जाओ बेटी साबिरों की बेटी इंज नहीं करी जाओ। सकीना निके निके हाथ जोड़ ले कह लगी पापा करजे सावी चलिया के धिया नाल भी इंज नहीं करी जाओ। फरमाया सकीना रो ना बेटी मैं पानी लैके आना। सकीना जफा मार लिया कह लगी पापा ना जाया बाबा मैं पानी नहीं पीनो बाबा ना जाया जे किन्नू अबू आखिया करांगी मैं रोवांगी चुप कौन कराएगा। अदी ने किदे नाल जावांगी ना किदे सीने ते सवांगी। फरमाया नहीं सकीना अपनी अम्मी नाल सौ जाई कहन लगी अम्मी ना ते असगर सौंदा है। फरमाया नहीं बेटी तू छोटी गलान करबलाओं के कानून बदल गए
दस कर कयामत तक कब्र च मेरे नाल सवेगा। सकीना जफा मार के रोई जा रही, कह लगी बाबा के जाना बड़ा ही जरूरी है, जांदियां दस जाओ यतीम किन्नू ने आंख देने। फरमाया सकीना क्यों पूछनी है, कह लगी बाबा कहने च सारे पे आंख देने। सकीना यतीम चली बाबा यतीम किन्नू आंख देने। फरमाया सकीना निजी दा बाप मर जाए ओ बच्चा यतीम दाई। सकीना घुट के जब मार लिया, कह लगी बाबा यतीम न करे आजे, बाबा मैं यतीम नहीं होना। बाबा यतीम तेनू घरां च बह के रोंदे ने, बाबा यतीम दीवारां नूं लग जांदे ने। बाबा यतीमां नूं पुछदा ही कोई नहीं, बाबा जिन्ना फीं दे बाप मर जान उते वीरां खुले आउंदियां ने। मैं किथे जावांगी वीर भी कोई साडे बच्चे नू पता हुंदा शाम वेले बाबा आ जाणा, ओ फिर भी रोंदे ने। ओ किवें रोई होवेगी जिन्नू पता बाबा आउणा कोई नहीं। सकीना कहंदी है बाबू मैं नहीं जाण देना। इमाम ने फरमाया ज़ैनब बाहर आओ, सकीना नू खेमे च लै जाओ, किधरे आओ समान फट के जमीन ते ना आ जाए। सैयद ज़ैनब खिंच के सीने नाल उतारे आओ, सकीना दी चीख निकल गई, कहन लगी फूफी अम्मा रज के बाबा वेख लैण दे, तेनू वीर नहीं लभना, मैनू बाबा नहीं लभना। ज़ैनब खेमे वल के जा रही हूं, फरमादियां ने शाला मरना ना कोई वीर किसे दे, के ना होन नी मानियां तेना जिस बैन दाओ वीर ना कोई उसकी दुनिया को ले। सकीना नूं रोंदियां छड़ के करबला जा रहे, फरमांदे ने रब्बा किस नूं बोल सुनावां, ए दर्द दिले दा सारा कौन होवे अज दर्दी मेरा, ए दर्द वडान वाला। जड़े वेले इमाम ते तीरां दे बारिश हो गई, मेरे इमाम जमीन वाले आन लगे, रो के खैमिया वाल वेखे आ। सिमर कहंदा रोना क्यों है, पुत्रां ते भी नहीं रोया। फरमाया ज़ालिमो रोना, अब्बास ने डिगदिया मैनू आवाज मारी, अकबर ने डिगदिया मैनू आवाज मारी, कासिम ने डिगदिया मैनू आवाज मारी, मैं किन्नू आवाज मारा। ओ ज़ालिमो मेरा वेड़ा ही उजाड़ दिता जे, जमीन ते आने लगे रावी लिख दे के सफेद रंग दी झोली जाहिर होई, नाले आबाद आई आ जावे परदेसी बच्चे आओ, ते मैं चुक लवां बिच झोली शाला जान तो जख्मों सारे जिन्ना लाश मिट्टी बिच रोली, फिर सारा बदन हुसैन सखीदा ए तीरा नाल करोता। फिर भी सैयद रेत तकी दे नमाज खलोंदा।
उच्चा बोलो सारे उच्चा बोलो असी फजर पढ़न जाइए ते जोर तो पहले घर आ जाने असी जोर पढ़न जाइए ते असर तो पहले घर आ जाने असर पढ़ जाइए ते मगरिब तो पहले ते मगरिब पढ़िए ते इशा तो पहले घर आ जाने पर ओदी कुदरत नु मंजूर सी कोई एक इंज दा भी नमाजी होवे जेड़ा आवे पर जावे ना हुसैन ने फिर करबला दे मैदान च सजदे च सिर रखिया ते अर्ज कीती दो कर्जे सन मेरे ते एक मुहम्मद अरबी दे सजदे दा एक मेरे अपने सजदे दा अर्ज कीती नाना मैं तेरे सजदे ते सवार होया ते तुसा सिर चुक लिया पर अज हुसैन तेरे वास्ते सजदा करन लगा तुसा ते चुक लिया पर मैं नहीं चुकाऊंगा दूसरा आसमान वल वेख के अर्ज कीती रब्बा ये तेरी आ ही मनशा है कि इंज दा नमाजी भी होवे जिहड़ा सजदा ते करे पर सजदे चो सिर ना चुके लै तू आख्या सी सजदा कर ते मैं तेरा कुर्ब देवांगा अज तू कुर्ब ना मुकावी मैं सजदा नहीं मुकांदा ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों कयामत नू हर किसी ने उस हालत उठना है जिस हालत चो मरेगा बीमार बंदा बीमारी दी हालत जेडे एक्सीडेंट ना मर गए वह एक्सीडेंट की हालत च उठ जाएंगे और जेडे सजदे च मर गए सजदे च उठणगे ते कयामत नू कैसा मंजर होगा मैं ते तुसी ते सारी दुनिया कबरां च उठेगी हुसैन सजदे च उठेगा उस सजदे च उठेगा उस सजदे च उठेगा ओदे सजदे नू करोड़ां ते लखां ते अरबां ते खरबां ते बेशुमार सलाम करां मेरी मिल्लत दे नौजवानों ने सजदा कीता ते आख्या सुभान रब्बियल आला तलवार चल गई ते सजदे च सिर कुर्बान कर देता ओ तू आवाज़ आई हुसैन जे तू मेरे सजदे वास्ते जान कुर्बान कर छड़ी ना ते तेरा मेरा वादा रहा मस्जिदां लोग मेरी इबादत लई बनावणगे पर जे उत्थे जिक्रे हुसैन दीआं महफलां ना सजा देवां मैनूं रब कौन आखेगा मस्जिद खुदा की इबादत लई बनियां ते आ वेखो मस्जिदां च बह के अज जिक्र हुसैन हो रहे ये उहदे सजदे दा कमाल है उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमा।